सांझी बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक पेंसिल, एक सीजर्स और एक हैंडमेड शीट। इस कैंची जो होगी थोड़ी पॉइंटेड आपको मार्केट से देखनी पड़ेगी, पेंसिल तो ऑलरेडी मिली जाती है, पेपर आपको हैंडमेड लेना है। अगर आपको वो ड्राइंग आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग करके ही किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले एक छोटा सा मोटिव बनाएंगे फ्लावर्स का। हम ट्री ऑफ लाइफ बना रहे हैं इसमें, कदम ट्री। तो पहले हमको ये ड्राइंग करना है। देखिए, जैसे फूल करते हैं ड्राइंग, तो नॉर्मली आप इस तरह से इसको ड्राइंग कीजिए। और जब हम इस ड्राइंग को बनाते हैं तो कैंची से हमको कट करने से पहले हमारे हाथ के ऊपर ये होना चाहिए, जो हमने ड्राइंग किया उसके बिल्कुल सेंटर में हम पॉइंट करेंगे। कैंची को जरा ऐसे करेंगे तो डिप होगा, फिर हमको कॉर्नर पे जाना है। कॉर्नर पर जाने के बाद जो पेंसिल की लाइन है उसके ऊपर आपको कैंची का बहुत छोटा भाग, कहीं आपका ये वाला हाथ घूमेगा, कहीं दूसरा वाला हाथ घूमेगा। आप जो भी ड्राइंग बनाएंगे बिल्कुल बीच सेंटर में पॉइंट करेंगे और पेंसिल से थोड़ा छोड़ के आप कट करेंगे, जिससे कि वो कटिंग हो जाएगा और थोड़ा उसमें गैप चाहिए। अगर हम पूरा काट देंगे तो पूरा ही पेपर बाहर आ जाएगा, तो सांझी कटिंग नहीं बन पाएगी। इसलिए हमको इसमें थोड़ा थोड़ा गैप रखना पड़ता है, बीच बीच में मार्जिन रखेंगे हम। नीचे देखिए हमारा फिंगर लगा हुआ है, फिंगर नहीं हटेगा जब हम इस कैंची की सहायता से इस कटिंग को करेंगे, तो फिंगर हमारा नीचे होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो कटिंग कर रहे हैं उस एरिया को सपोर्ट मिलती रहे। देख रहे हैं आप, हमारा सीजर्स हम डिप करते हैं तो नीचे हमारा फिंगर होता है, और कहीं पे हम ये वाला हाथ घुमाते हैं कहीं हमारा कैंची वाला हाथ घूमता है। डिपेंड करता है यह डिजाइन के ऊपर, डिजाइन हमारा किस तरह का है। अब जैसे ही हमने छोटा सा फर्मा बना लिया है, इसको ड्राइंग करके हम एक ट्री ऑफ लाइफ बनाएंगे। तो उसके लिए हमको पहले एक शेप बनानी है, इस तरह से। अब इसको हम ड्राइंग करेंगे इस तरह से, बस इसको रखिए आप, पेंसिल चलाइए। इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाते हुए ले जाइए।
इस तरह से बनाते हुए हमने अपने दादाजी को देखा था, अपने पिताजी को भी इस तरह से बनाते हुए देखा था, क्योंकि बड़ी डिजाइन कैसे बनाई जाती है उसी को हम भी कोशिश करते हैं कि उसी तरह से हम भी बना लें।